को सत सत नमन। पर्यावर, बहुत सारे विद्वान कहते हैं मनुष्य पर्यावरण का प्रतिफल है। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण के कारण ही मनुष्य है। इस वाक्य को अगर और बढ़ाया जाए तो हम कह सकते हैं सारे जीव पर्यावरण का ही प्रतिफल है, यानी सारे जीव का जीवन पर्यावरण पर निर्भर है। आज के कोरोना काल में यह अस्पष्ट संदेश पर्यावरण दे रहा है। सो हम लोग समझते हैं पर्यावरण होता क्या है, क्या पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण को बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषित किया है। अब उन परिभाषित वाक्य को हम सम्मिलित करके, यानी कि सभी को एक में करके हम पर्यावरण के स्पष्ट परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण क्या? पर्यावरण को हम परि प्लस आवरण, क्या परि प्लस आवरण, इसका क्या कर सकते हैं, शब्द संधि विच्छेद या शब्द विच्छेद कर सकते हैं। परि का मतलब होता है चारों तरफ, क्या चारों तरफ, और आवरण का मतलब घेरा, ठीक है। तो चारों तरफ जो आवरण का घेरा है वही क्या है, पर्यावरण। इस वाक्य को अगर और स्पष्ट करें तो सभी दशाओं का योग क्या है, पर्यावरण है। सभी दशाओं का योग क्या है, पर्यावरण है। अब सभी दशाएं होती क्या है ये देखिए। ये अगर कोई व्यक्ति है, क्या ये अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, या आप खुद कल्पना करें, आप अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका स्टडी रूम है, यहाँ पर आप हैं, और ये आप देखेंगे यहाँ पर किताब है, क्या है, किताब है, ठीक है। यहाँ पर मेज है, ठीक है, और यहाँ पर आपका लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पर एक बिल्ली आपने पाल रखी है, वो है, ठीक है। एक आपने कुत्ता पाल रखा है, वो भी बैठा है। आपका सीलिंग फैन है, और आपका किचन है। अब आप समझिए, ये आप हैं, और आपके चारों तरफ क्या हैं, दशाएं हैं। वो दशाएं कुछ भी हो सकती हैं, वस्तु हो सकती हैं या गैर वस्तु हो सकती हैं। अब जैसे और हम इसके कोल लें, आपके कमरे में हवा है। अब आप दशाओं में देखिए, हवा भी आपके कमरे में है, बिल्ली भी आपके कमरे में है, कुत्ता भी कमरे में है, लैपटॉप भी कमरे में है, किचन भी कमरे में है, फैन भी और किताब भी। ये सब क्या हो गई, दशाएं हो गई, क्या आपके चारों तरफ ये क्या हो गई, दशाएं हो गई, ठीक है। ये दशाएं आपको प्रभावित करती हैं। जैसे अगर हवा ना हो तो आप क्या पढ़ पाएंगे, जीवित ही नहीं रह पाएंगे। किचन ना हो तो क्या खाना आप बना सकते हैं, क्या खाना बना सकते हैं। अगर बिल्ली ना हो तो, बिल्ली ना हो ये अलग बात है, लेकिन अगर बिल्ली नहीं है तो बिल्ली के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, नहीं, बिल्ली है यहाँ पर, इसलिए आप बिल्ली को जानते हैं और बिल्ली के बारे में सोच सकते हैं, यानी ये भी प्रभावित कर रही है। इस तरह किताब रखी हुई है, किताब रखी हुई तो आपका पढ़ने का मन कहेगा। तो ये सभी दशाएं क्या हैं, क्या पर्यावरण है, क्या कह सकते हैं, सभी दशाओं का योग पर्यावरण है, ठीक है। अब इन दशाओं को अगर आप देखें तो इन दशाओं को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा कुछ ऐसे होंगे जो अजैविक घटक होंगे, क्या अजैविक, ठीक है, और कुछ होंगे जैविक,
क्या होंगे, कुछ होंगे जैविक, ठीक है। अब जैविक और अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक का अर्थ यहाँ पर ये है कि जिसमें जान नहीं है, क्या, जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, ठीक। जैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन है, चेतना है, वो जैविक घटक है। अब अजैविक घटक को आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अजैविक घटक के तत्व आप देख सकते हैं, क्या, बहुत सारे अजैविक घटक के तत्व आप देख सकते हैं, जैसे ऊर्जा, क्या ऊर्जा, ये आपका अजैविक घटक का तत्व है। तापमान आपका क्या है, अजैविक घटक का तत्व है। आर्द्रता, आर्द्रता मिट्टी, प्रकाश, गुरुत्व, क्या गुरुत्व, ठीक है। तो ये सब क्या है, आप देख रहे हैं क्या है, अजैविक घटक हैं। और क्या कह सकते हैं, टोपोग्राफी, और आप ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं, पर्वत पहाड़, पर्वत पहाड़, क्या पर्वत पहाड़, झील, क्या ऐसे आप बहुत सारे क्या कर सकते हैं, तत्व किसके, अजैविक घटक के देख सकते हैं। अब इन तत्वों को अगर हम एक बड़े वर्ग में विभाजित कर दें तो याद करना सरल हो जाएगा, या समझना क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब इनको हम, इन सभी तत्वों को तीन भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, अजैविक तत्व हो गए, अजैविक घटक के। अब हम इन तत्वों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, पहला जो है उसको हम कह सकते हैं स्थल मंडल, क्या स्थल मंडल, ठीक। स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल आपकी ये पृथ्वी है, क्या आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के आप देखेंगे, पृथ्वी के 70% भाग पर क्या जल है, क्या जल है, और 30% भाग पर क्या है, स्थल है, क्या स्थल है, ठीक है। तो यही स्थल क्या है, स्थल मंडल है, क्या यही स्थल को स्थल मंडल कहते हैं। अभी स्थल मंडल में आप छोटे छोटे तत्व लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या कह सकते हैं, अब जल मंडल, क्या जल मंडल, ठीक है, जल मंडल। और कुछ हो सकता है, और वायुमंडल हो सकता है, क्या और वायुमंडल हो सकता है, ठीक है। इन सभी तत्वों को आप इन तीन भागों में डिवाइड कर रख सकते हैं, और आपको याद करने में आसानी होगी, क्या आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। ये हो गए क्या, अजैविक घटक को हमने देखा। अब हम देखते हैं क्या जैविक घटक को, क्या जैविक घटक को। अब जैविक घटक को अगर हम देखें तो हम इसे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर बृहद स्तर पर देखें, अगर बृहद स्तर पर देखें तो विभिन्न भागों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, पहला जो है उसे हम कह सकते हैं जंतु, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनिमल कह सकते हैं, क्या एनिमल कह सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी आ जाएंगे, क्या इसमें जंतु में सभी आ जाएंगे, यानी मनुष्य भी इसमें होंगे और अन्य जीव भी इसमें होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, पादप हो सकता है, ठीक है, यानी कि प्लांट, ठीक है, इसमें सारे प्लांट को रखा जाएगा, ठीक है। अपघटक, क्या अपघटक, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है सहजीवी, पैरासाइट, ठीक है।
अजैविक घटक को हम इतने भागों में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे, आपको जंतु के बारे में पता है, पादप के बारे में पता है, अब घटक के बारे में, अब घटक को आप क्या कर कैसे समझ सकते। अब घटक वो जीव होते हैं जो जो क्या इन दोनों पदार्थों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, क्या सड़ाने गलाने का काम करते हैं। जैसे आप किसी की डेथ होती है, तो किसी की डेथ हुई तो उसे अगर दफना दिया गया, दफनाने के बाद 2-4 महीने के बाद आप खोदें उसको, क्या खोदें, तो आपको हड्डी मिलेगा लेकिन मांस क्या हो जाएगा, गायब हो गया। तो मांस को सड़ाया गलाया किसने, किसने, आप घटक ने। इसी तरह पेड़ पौधे, या आप गांव में देखेंगे खाद घूर होता है, घूर, क्या घूर, घूर का मतलब जहां पर गोबर को हम इकट्ठा करके रखते हैं उसी को घूर कहते हैं। तो पहले जब गोबर को रखेंगे तो गोबर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो अपघटित होकर क्या अच्छा खाद बन जाता है। तो वो भी काम कौन करता है, अपघटक करता है। सहजीवी, सहजीवी ऐसे जीव होते हैं जो साथ में रहकर जीवन यापन करते हैं, क्या वो साथ में रहकर ही जीवन यापन करते हैं। कोई भी ऐसे जीव हो सकता है जो साथ में रहकर ही जीवन यापन करते हैं, उसको सहजीवी कहते हैं। इसको हम लोग जब अगले वीडियो में इन दोनों को बृहद स्तर पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी हमें केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखना है। अब जंतु, क्या अब जंतु, जंतु जो पर्यावरण है, क्या अजैविक घटक का जो भाग है, अब इसको हम क्या विभिन्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये जंतु है, तो जंतु में हम मानव को ले लें, क्या जंतु में अगर हम मानव को लें तो कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको पहले देखिए। सामाजिक पर्यावरण, क्या क्या कर सकते हैं, सामाजिक पर्यावरण कह सकते हैं, ठीक है। और क्या राजनीतिक, राजनीतिक पर्यावरण हो सकता है। ऐसे आप विभिन्न पर्यावरण में डिवाइड कर सकते हैं, आर्थिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। तो जंतु पर्यावरण, जंतु में स्पेशली जब मानव को रखते हैं तब विभिन्न पर्यावरण में सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण को ऐसे हम क्या कह सकते हैं, रख सकते हैं। अब पादप, पादप को भी हम क्या कह सकते हैं, पादप मंडल, क्या पादप जो है पादप मंडल। अब पादप में विभिन्न प्रकार के क्या पादप पाए जाते हैं, तो उनको भी हम विभिन्न पर्यावरण में रख सकते हैं, क्या पर्यावरण में रख सकते हैं, ठीक है। तो जैविक और अजैविक घटक को आप लोगों ने समझा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। कभी कभी क्या विभिन्न पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा कि ये जैविक अजैविक, जैविक घटक, अजैविक घटक, और तीसरा कभी कभी दे दिया जाता है क्या ऊर्जा घटक, क्या ऊर्जा घटक, ठीक है। तो कभी कभी विभिन्न पुस्तकों में ऊर्जा घटक भी दे दिया जाता है, लेकिन ऊर्जा घटक को हम लोग अजैविक घटक में शामिल कर लेते हैं। तो अजैविक और जैविक घटक सामान्यतः दो रूपों में होता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे। अब जो घटक हैं, क्या जो जैविक और अजैविक घटक हैं, उनसे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, तो प्रभाव तो पड़ता है, सामान्य सी बात है। पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, वो चाहे आपको दिख रहे हों या ना दिख रहे हों, आपको प्रभावित करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं। जैसे आप कभी महसूस करेंगे कि कभी ऐसी रात रहती है जब आपको नींद नहीं पड़ती, सब कुछ सही है लेकिन नींद नहीं पड़ती, तो बहुत सारे प्रभाव होते हैं। लेकिन हम अपने आप को कहाँ पर रखेंगे, पर्यावरण के संदर्भ में। अब पर्यावरण के संदर्भ में हम मुख्य मुख्य जो तत्व हैं उनके प्रभाव को देखेंगे, क्योंकि ये सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हम लेते हैं क्या तापमान, पहला हम लेते हैं तापमान, ठीक है। अब तापमान का प्रभाव क्या होता है, क्या तापमान का प्रभाव क्या होता है,
अब आप देखेंगे कि पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जीव नहीं पाए जाते। क्या जीव नहीं पाए जाते? जैसे आप आर्कटिक देखिए या अंटार्कटिक महाद्वीप देखिए, या आप बर्फ मंडल देखिए। क्या बर्फ मंडल देखिए? जहाँ पर हिम ग्लेशियर बहुत पाए जाते हैं, बर्फों की चट्टान बहुत पाए जाती है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, ठंड है। तो बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण क्या वहाँ पर जीव नहीं जीवित रह पाते। तो यानी कि तापमान का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसी तरह आप गर्मी वाला स्थान ले लीजिए। क्या गर्मी वाला स्थान ले लीजिए? आप देखेंगे विषुवत रेखा जो है सबसे ज़्यादा गर्मी वाला स्थान है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम से कम है। क्या जनसंख्या कम से कम है? यानी अधिक गर्म होने पर जनसंख्या कम हो जाती है, अधिक ठंड होने पर जनसंख्या कम हो जाती है। अगला प्रभाव आप देखिए क्या है कि अधिक अगर ठंडा है, क्या अधिक ठंडा है या अधिक गर्म है, तो जीवन नहीं होता। जीवन नहीं होता, एग्जाम्पल एक आप लीजिए, जैसे मनुष्य में भी वीर्य पाया जाता है। क्या वीर्य, या कह सकते हैं बीज, या कह सकते हैं उसको शुक्राणु। तो पुरुष में, स्पेशली पुरुष में शुक्राणु और महिला में अंडाणु, इनका विकास अधिक ठंडे व गर्म स्थान पर नहीं होता। क्या अधिक ठंडा स्थान है तो वहाँ पर शुक्राणुओं का विकास अच्छा नहीं होता, इसी तरह अंडाणुओं का विकास अच्छा नहीं होता। अब ठंडे स्थान या ठंडे देश को देख लीजिए तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होती है। क्या जनसंख्या बहुत कम होती है? जैसे रूस को ले लीजिए, नॉर्वे को ले लीजिए, यहाँ पर जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उस पर्यावरण के कारण, अधिक ठंडे के कारण शुक्राणु और अंडाणु का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये तापमान का सामान्य प्रभाव है। अब बहुत सारा प्रभाव तापमान का होता है, उसे आप किताब में देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं, या आप चारों जब और जब ढालते हैं जाते हैं तो तापमान का प्रभाव स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल। क्या वायुमंडल? तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं। क्या बहुत सारी गैसें होती हैं? उन गैसों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कोई जीवित नहीं रह सकता। आज कोरोना काल में देखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। क्या होता है, अन्य गैस क्या है, CO2 है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पादप अपना भोजन बनाते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। किंतु दूसरी तरफ देखेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो पर्यावरण गर्म होने लगता है, जलवायु परिवर्तन होने लगता है। तो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का हम अध्ययन किसमें करेंगे? जब पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन को देखेंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है, दूसरा जो तत्व है उसको हम ले सकते हैं वायुताप। क्या वायुताप? अब वायुताप का प्रभाव क्या होता है? वायु दाब के ही कारण क्या हवाएं चलती हैं, वायु दाब के कारण ही हवाएं चलती हैं। ठीक है, अब मनुष्य पर इनका प्रभाव क्या होता है? विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन करके बताया कि अगर अचानक वायु दाब में परिवर्तन हो जाता है तो जीवों में क्या होता है, उनकी आँख में अल्सर हो जाता है। स्पेशली अगर मनुष्य को हम लें तो उनकी आँख में क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। अल्सर का मतलब फोड़ा, आप कह सकते हैं रक्त स्त्राव की तरह होता है, यानी कि आंत लाल हो जाती है, पेट दर्द होने लगता है। ठीक है, तो किसके कारण? वायु दाब के कारण। क्या वायु दाब के कारण? ठीक है, अब एक उदाहरण आप देखिए, वायु दाब के कारण हवा चलती है। आप एक हवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुरवाई। क्या पुरवाई? जब पुरवाई चलती है तो गांव में कहते हैं कि शरीर हमारी क्या दर्द कर रही है, या जहाँ पर चोट लगा था वहाँ पर शरीर दर्द कर रही है। तो पुरवाई का आप प्रभाव क्या देख सकते हैं गांव में भी। क्या गांव में भी एक सामान्य उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। ठीक, अगला जो है उसको हम कह सकते हैं प्रकाश। क्या प्रकाश? प्रकाश क्या है? प्रकाश को हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जो प्रकाश है वो तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। क्या यहाँ पर तरंग हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब जो प्रकाश आता है,
सोचते हैं, उसको हम चार भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या? चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और उस भाग को, जो प्रकाश को हम डिवाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या? स्पेक्ट्रम। तो प्रथम स्पेक्ट्रम क्या? प्रथम स्पेक्ट्रम ठीक। चार भागों में हम प्रकाश को डिवाइड कर सकते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश को डिवाइड कर सकते हैं। तो चार भाग जो है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब प्रथम स्पेक्ट्रम क्या? प्रथम स्पेक्ट्रम, इसमें जो किरणें होती हैं उनको, इनमें जो किरणें होती हैं उनको गामा यक्स, गामा किरणें, यक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें। क्या? पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी ठीक है। तीन किरणें इसमें रखी जाती हैं। ये जो किरणें हैं इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, भेदन क्षमता अधिक होती है, या कह सकते हैं भेदन क्षमता इनकी अधिक होगी, या कह सकते हैं इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। क्या होती है? आवृत्ति बहुत अधिक होती है ठीक है। इनको हम रखते हैं, इनको एंगस्ट्रॉम, क्या? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। क्या? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या? एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है लंबाई को नापने के लिए। क्या? लंबाई को नापने के लिए यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी नहीं लेकिन कह सकते हैं बहुत ही छोटी यूनिट है। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर, क्या इतना होता है ठीक। अब दूसरा स्पेक्ट्रम देखते हैं। क्या? दूसरा स्पेक्ट्रम। अब दूसरे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? दिस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें जो है आप क्या, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, ये सब जो रंग हैं, क्या जो रंग हैं उनको हम दृश्य प्रकाश क्या कह सकते हैं? दृश्य प्रकाश ठीक है। अब तृतीय स्पेक्ट्रम क्या? तृतीय स्पेक्ट्रम, तृतीय स्पेक्ट्रम जो है क्या, तृतीय स्पेक्ट्रम तीसरा, इसमें तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं अवरक्त तरंगे। क्या? अवरक्त तरंगे ठीक है, अवरक्त तरंगे। और चौथा क्या? चौथा स्पेक्ट्रम, ये सब क्या, ये सब प्रकाश के भाग हैं। चौथा स्पेक्ट्रम में हम रखते हैं रेडियो तरंगों को और क्या, माइक्रो तरंग को, रडार तरंग को। क्या? रडार तरंग, रेडियो तरंग ठीक है, रेडियो तरंग ठीक, जिसको एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। ये यहाँ पर ये मीटर हो जाता है। क्या? मीटर में, मतलब एक मीटर कितनी बड़ी तरंग हो जाती है। तो इनमें जो भेदन क्षमता होती है बहुत कम होती है। क्या? भेदन क्षमता इनमें बहुत कम होती है। इनका तरंग दैर्घ्य, क्या तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। क्या? तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इनका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है ठीक है। ये चार पॉइंट आपको इसके संबंध में, क्या, प्रकाश के संदर्भ में याद करना है ठीक है, चार स्पेक्ट्रम। अब ये जो प्रकाश की तरंगे हैं, जो प्रकाश हैं, इनमें कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या? एक छोटा टर्म है जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन ठीक है। स्कैटरिंग क्या? स्कैटरिंग बोलते हैं। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या है? जब प्रकाश आती है, क्या प्रकाश आ रही है, तो वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। क्या? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये छोटे छोटे कण से टकरा कर क्या होती हैं? बिखरती हैं। क्या होती हैं? छोटे छोटे कण से टकरा कर बिखरती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? जब बिखरती हैं तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या? प्रकीर्णन क्या है? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग माने होता है बिखरना। और कौन बिखरेगी? प्रकाश की तरंगे, छोटे छोटे धूल के कण से टकरा कर बिखरती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। दूसरा शब्द है परावर्तन। क्या? परावर्तन,
या इसको बोलते हैं क्या रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन, या इसको प्रत्यावर्तन भी बोलते हैं। परावर्तन का मतलब जब ये जो छोटे छोटे कण हैं ये थोड़ा क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्या छोटा ये कण जब बड़े हो जाते हैं इनसे प्रकाश टकराता है, तो प्रकाश टकरा कर इधर उधर चला जाता है। जैसे अगर प्रकाश यहाँ आया ऐसे टकराया तो इधर चला गया, क्या इधर चला गया, क्या इधर चला गया। तो प्रकाश का बिखराव इसमें होता है लेकिन एक अलग प्रकार का बिखराव होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है जो याद करना है उसको बोलते हैं प्रतिलोम क्या विकरण, क्या प्रतिलोम विकरण। अगला जो पॉइंट है उसको हम क्या प्रतिलोम विकरण, पहले विकरण को समझ लेते हैं इसके संदर्भ में। ये पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी पर प्रकाश जब सतत रूप से आ रहा है, क्या पृथ्वी पर प्रकाश सतत रूप से आ रहा है तो पृथ्वी गर्म होगी, और जब कोई चीज़ गर्म होती है उससे भाप निकलता है, क्या भाप निकलता है। जैसे आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो जब खेतों को जोतते हैं तो दोपहर जब होता है तो आप दूर से देखेंगे तो लगेगा क्या ऐसे ऐसे कुछ तरंग निकल रही है, तो ये विकरण ही होती है। यानी कि पृथ्वी गर्म होकर क्या निकलता है, निकलती है उष्मा, कुछ निकालती है तो उसे विकरण कहते हैं, जो उष्मा निकालती है। अब ये उष्मा निकल कर बाहर चली जाती है इसलिए पृथ्वी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती, यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर समान बना रहता है। अब काउंटर विकरण क्या है, विकरण आप लोगों ने समझा, पृथ्वी गर्म होकर जब गर्म हो गई तो उष्मा को निकालेगी, उष्मा निकालेगी तो वो उसी को विकरण कहते हैं, क्या उसी को विकरण कहते हैं जो उष्मा निकालती है। ठीक है, अब प्रतिलोम विकरण, प्रतिलोम विकरण का मतलब ये है कि जब इस पृथ्वी के चारों तरफ, क्या इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, क्या है वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। अब ये गर्म होकर ये भी विकरण क्या करेगा, विकरण करेगा, तो ये विकरण करके क्या पृथ्वी को कुछ क्या देता है, उष्मा देता है, क्या पृथ्वी को कुछ उष्मा देता है, इसको बोलते हैं क्या प्रतिलोम विकरण, क्या बोलते हैं प्रतिलोम विकरण। अब अगला जो पॉइंट है विकरण खिड़की, विकरण खिड़की। ठीक है, रेडिएशन विंडो, अब रेडिएशन विंडो क्या है, जैसे आप इसके ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, इसमें गैस पाई जाती है, स्पेशली अगर हम देखें तो CO2, तो CO2 या क्या पाया जाता है वाष्प, अगर हम जो को उदाहरण के लिए समझते हैं। अब CO2 वाष्प का क्या है, जब पृथ्वी से जो विकिरण होती है उसको क्या कहते हैं CO2 और वाष्प ऑब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है ऑब्जॉर्ब कर लेता है, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसलिए कहते हैं कि CO2 को कम करो, क्योंकि CO2 कम रहेगा तो ऑब्जॉर्ब पृथ्वी से जो विकिरण हुआ उसको अवशोषण कम करेगा। अब ये जो CO2 और वाष्प है क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं किसका, पृथ्वी के विकिरण को। तो हमने बात किया कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है वायुमंडल है, वायुमंडल में CO2 और वाष्प है। अब ये CO2 वाष्प जब पृथ्वी से उष्मा उठती है विकिरण के रूप में तो क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। अब अवशोषित इन्होंने कर लिया, ठीक है, लेकिन ये सभी विकिरण को, पृथ्वी से जितना भी विकिरण ऊपर उठता है सभी को अवशोषित नहीं करती हैं, क्या सभी को अवशोषित नहीं करती, बल्कि कुछ को क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं, तो कुछ क्या चला जाता है अंतरिक्ष में चला जाता है। जैसे यहाँ पर अवशोषण नहीं हुआ, यहाँ पर अवशोषण नहीं हुआ, या यहाँ पर अवशोषण नहीं हुआ, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे छिद्रनुमा बन जाते हैं क्या जहाँ पर अवशोषण नहीं होता किसका विकिरण का, तो उसे ही बोलते हैं विकिरण खिड़की, क्या उसे ही बोलते हैं विकिरण खिड़की। अब एक पॉइंट और आपको याद करना है, एक होता है उष्मा द्वीप या उष्मा द्वीप, उष्मा द्वीप क्या होता है इसको भी समझ लें। ये जैसे आप शहर में देखेंगे बहुत बड़े बड़े क्या महल होंगे, क्या बहुत बड़े बड़े क्या होंगे महल होंगे, ठीक है। अब ये जो महल हैं और रोड हैं, रोड और महल किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है क्या लोहे से, क्या लोहे की सरिया लगी होती है इसमें और सीमेंट से, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब बहुत उष्मा का क्या करते हैं अवशोषण करते हैं,
शहर में बहुत सारे क्या बने हैं, मकान बने हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, रोड बने हैं, यानी कि वहाँ आप देखेंगे शहर में तो बहुत कम जमीन है जो खाली है। खाली का मतलब उस पर कुछ नहीं बना है, यानी कि मिट्टी दिख रही है, क्या बहुत मतलब खाली है, खाली का मतलब क्या मिट्टी दिख रही है, ठीक है। लेकिन शहर में क्या बहुत कम खाली जमीन होती है। अब ये जब बहुत ज़्यादा क्या करेंगी, अवशोषण करेंगी क्या उष्मा का, अब उष्मा का अवशोषण करेंगी तो इनके ऊपर क्या, इनके ऊपर ऐसा एक डोम बन जाता है, या डोम ऐसा नहीं कर सकते। अभी इतने क्षेत्र में क्या टेम्परेचर अधिक रहता है, क्या रहता है टेम्परेचर अधिक रहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं उष्मा द्वीप। क्या छोटा शहर है उसके ऊपर, उसमें वो छोटा शहर है, और छोटे शहर का क्या हुआ टेम्परेचर बहुत अधिक है अगल बगल देहात के क्षेत्र के तुलना में। तो इसी शहर में जो टेम्परेचर अधिक होता है उस कारण जो द्वीपनुमा संरचना बनती है उसे ही उष्मा द्वीप कहते हैं। अब उष्मा द्वीप के साथ एक इसी तरह पॉइंट और है, उसका नाम है प्रदूषण द्वीप या प्रदूषण गुम्बद कह लीजिए, गुम्बद है। सेम इसी तरह अब शहर में क्या होगा, शहर में बहुत क्या प्रदूषण होता है, बहुत प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण ऊपर जाके क्या बना लेता है, इसी तरह संरचना बना लेता है। किसका, प्रदूषण का संरचना बन जाता है। अभी टेम्परेचर का संरचना बना था, अब क्या प्रदूषण का संरचना बन जाता है। तो इसी प्रदूषण नुमा संरचना को, क्योंकि गुम्बद नुमा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं प्रदूषण गुम्बद, क्या बोलते हैं प्रदूषण गुम्बद। तो पर्यावरण से संबंधित जितने छोटे मोटे टर्म थे और पर्यावरण के भाग, पर्यावरण, पर्यावरण के प्रकार, लगभग इसमें आपको समेटने की कोशिश की गई है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जय हिंद।